नमस्कार, डिलीशियस तड़का में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सोया गोभी मटर, जिसके लिए हमने गोभी लिया है 750 ग्राम। उसे अच्छे से वॉश कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है। इस ढंग से हमने लिया है 300 ग्राम मटर, फ्रेश मटर लिया है, उनको भी छील लिया है। हमने लिया है 50 ग्राम सोयाबीन का टुकड़ा, सोया ग्रैनुल्स, इसको भी 10-15 मिनट पानी में भिगो लिया है। 3 टमाटर को भी हमने मिक्सी में पीस लिया है। एक टुकड़ा हमने लिया है छोटा टुकड़ा दालचीनी का। 1/4 टीस्पून हमने लिया जीरा। 1 चम्मच लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 इंच अदरक को हमने बारीक काट लिया है। 2 हरी मिर्ची को भी हमने बारीक काट लिया है। 2 प्याज को भी बारीक काट लिया है। चलिए इसे बनाते हैं। एक कढ़ाई ले लेंगे, गैस ऑन कर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालकर उसे गर्म कर लेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। सबसे पहले हम डाल देंगे इसमें एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 1/4 टीस्पून जो जीरा है उसको डालकर चला देंगे थोड़ा। अब डाल देंगे प्याज, इसको भी हम तेज गैस पर 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे चलाते हुए। प्याज हमारी हो गई है। अब इसमें हम डाल देंगे अदरक जो बारीक कटा हुआ है और हरी मिर्ची जो बारीक कटी हुई है, उसे भी मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून डालेंगे देगी मिर्ची पाउडर जो कलर अच्छा देगी, 1/2 टीस्पून डालेंगे धनिया पाउडर। नमक आप स्वाद अनुसार डालें, मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। इसे भी मिक्स कर दें। अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने टमाटर को पीस रखा है, उसको भी 2 मिनट तक तेज गैस पर भून लेंगे चलाते हुए। टमाटर हमारे हो गए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, उसे भी मिक्स कर देंगे। ये हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे ग्रैनुल्स का पानी निकालकर उसमें मिक्स कर देंगे मसाले में अच्छे से। अब इसमें गोभी भी डाल देंगे और मटर भी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो गया। अब इसमें हम 1 कटोरी पानी डाल देंगे और उसको 1 उबाल आने देंगे तेज गैस पर। ये उबाल आ गया है। अब गैस को स्लो कर ढककर 15 मिनट के लिए पका लेंगे। 15 मिनट हो गए हैं। हम पहले सब्जी को चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा इसे पहले हम चला लेंगे। मटर को चेक कर लेंगे, गले हैं कि नहीं। हाँ, थोड़ी सी कसर लग रही है हमें मटर में। अब हम इसमें थोड़ा सा पहले गरम मसाला 1/2 टीस्पून डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर से ढककर 5 मिनट के लिए कम गैस पर फिर पका लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं। सब्जी को हम चेक कर लेते हैं। हाँ, इसे हम थोड़ा सा पहले चला देंगे गैस को तेज कर। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून अमचूर और डाल देंगे धनिया जो कटा हुआ है हरा, उसे भी मिक्स कर देंगे अच्छे से चलाते हुए। ये देखिए हमारी सब्जी तैयार है। गैस को बंद कर देंगे। इसको आप परांठे के साथ, चपाती के साथ सर्व करें, ये बहुत टेस्टी लगेगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना ना भूलें।